एक गांव के मायने के है एक आदमी जका को नाम हो दानचंद, पण कह रिप्याई को दान को निकड़ तो चाहे जागरणू है चाहे कोई मिंदर देवरो है चाहे गौशाला हुए, बाकी दानू तो टक्को ही कौन देतो शाय, क्योंकि सांकड़ो को निकलता भी आने की जगह के जेठे लाग बड़ा काम हुए। गांव का भी दानू कह बतलाता नाम तो दानचंद हो पर भी शॉर्टकट भाषा में दानू कहता आओ भाई दाना आओ। अब एक दिन देखो गांव का के चची बोलो काम धंधो सकड़ो सल्ट को खेता को तीर्थ जा रहा वहां तीर्थ बोलो कौन सो बोलो गंगा तीर्थ बहुत बड़ो है बोलो गंगा जी नाराशिया हरिद्वार ऋषिकेश। अब गांव का एक बस किराए करी 52 सीटर 51 सवारी तो होगी पर एक कम पड़गी ना गांव का सोचो रो दान दान ले चल लो खाली तो जासी सीट। गांव का जार दाना ने कहवा लगे रे बोलो चाल गंगा जी नवा लिया ना दानू बोलो मन चंगार बोलो कट्टो ती मई गंगा मैं कहते अठाई गंगा है बहरे थे जाओ क्यों दाना ने डारी पहले ला 1535 वाला और दानू देखो टक्को ही कोई ने ना गांव का बोलियो रे तारे रिपिया को लागे बीड़िया को मंडली में दिराशिया तो चाल जना दानू बोलियो जना क्यों कौन चला अगली सीट पर जार बैठो बसाली आ कोनी फोकट में जाऊं तो गलन पड़ जाऊं स्टेपनी वाली जगह पर आगन बैठो। अब गंगा जी पूगा गांव का सगला गंगा जी में नारिया हर हर गंगे करे अरे नार बारे निकले रे पंडा तैयारी बैठे रे ले भाई यजमान गंगा में स्नान करे कोई दान दक्षिणा दे। अब गांव का कोई 100 दे कोई 50 दे कोई 500 दे दानू उबो वो देकर तेरा बुलाओ जाए नाया जना शिया ए मरिया बस लेर ए आया ए पंडाओ कहीं बिगड़ गोरे अब तो बाप जी हजारों आदमी ना कताग वापरता लो बे आंगलिया मेरी छाप लगा रहे बाकी नारियों को नहीं है करम फुटाम बाकी ही गए क्यों मिनटा नायो ना रिपिया ला गया ने अठे तो कोई देख लियो ने मैं गंगा जी में नहाता रिपिया लाग सी फिर दानू सोचे अठे ना बहुत जरूरी है जटे पंडा नहीं हुए बैठे चाल गंगा किनारे किनारे भाग्य जो आगे मुर्दा घाट आएगा बैठे ये की पंडो को नहीं बड़ा हजार पड़ो गंगा जी के माई ने भाई खाता साल दे डूबकी बाहर निकल जाए बारे कोई कहा बाप ने गोंडा पड़ बजा पंडा है तो आप भी कम थोड़िया पर वो ऊपरलो पंडो देखो त्रिलो केलो नाथ वो भगवान मन में विचार करो रे देख दान दक्षिणा उठ तो कटार ना हो अब वो तो बढ़ो गंगा जी मेरे ठेनो भगवान पंडा को रूप बना बटे यार किनारा पर रहेगा जी दानू बारे निकले और ले भाई यजमान गंगा में स्नान करियो कोई दान दक्षिणा दे दानू सोचो रो ओ कौन सी पेड़ी तड़ा लुकेड़ो रे गोरे चारू मेर देख कर बढ़िया पर कोई बात कौन भी कोई ना दानू हो बोलो देख मंदो गांव का पॉकेट में ले रहा है बीड़े मंडली बैठ रहा है यार बीड़ी भी कौन मत मांग लीजिए बोलो भाई पीगो पूरी मार्ग न टटको गोन दे बने माड़ा गामा जे जे तू एक टेम खाएगी जो तो तन चूम दे देशू आटो बाजरा को बोलो भगवान ओ बोलो ठीक है भाई यजमान कोई बात को नहीं कहना यात्रा पर आवला तो तेरा गम्मा आवला आएगा गम छह महीना बाद में भगवान मन में विचार कर रहे अपना भी भगत ने बतलावा जो अपन एक टेम खाबा जो तो आटा की कह रही हो भगवान वो पंडा को रूप बनायो दानाले घर पुग्यो दानू रोटी खरियो आ तो दिखो पंडो और जान गोर हो तो गंगा जी पंडो है आपका घराली कहवा लग गया बोले वो पंडो आएगा बोले कौन सो बोले गंगा जी बोले मैं एक टेम आटो खाए जता आटा की कह रहे हो और वो तो आएगो ले बन ना घराली तो बापड़ी करी जी दे दियो पर दानू बोलियो अति दूर आयो और की आयो 600 किलोमीटर चला रहे अब तो लियो ही जाने अब दानून बाप जी देबो ना छोरा को निकटायो बदे वो तो टाड़ो काट रहे हो वो देबन थोड़ी कह रहे हो बेटे जनवा घराली बोलियो कहीं कर सो तो घराई डान कहीं कर सो बोलियो बा उपाय मेर के ने बामण ली तो बोलियो किया बा थाली तो सरकार दीर और धोती चौक के मैं लंबो फसर गौर बोलियो तू बरिया गाल चालू कर दे बामण जटे मर जाए बेटे पानी को पीवे सुतक लाग जाए ने 12 दिन तानी जब तक शिशि पूजन नहीं हुआ छाटो नहीं लागे जब तक ए पानी को नहीं पीवे चून तो बहुत आगे की बात है उपाय है अब आपड़ी घराली झूठी सूची बारिया गाली अब वो जीव तो सुतो बाप जी घराली जीवता की बार किया गया बिया सूण माड़ा हुए पर बात झूठी सूची गाली जी भगवान पुगियो पंडो बनेड़ो आर बोलो यार रोवे क्यों है बोलो दिखे को नहीं गए तो मर गया भगवान बोलो मैं ब्राह्मण का खोलिया में जलम लियो है मारो जजमान मर गो अब तो बोले गो दाग दूग दिरार मोसर सलटारी जसू इका पूरा 13 दिन करारी जसू तेरा लो घड़ो ब्रह्म ना मगन जाऊं
दानू सुने सुतो सुतो चौक में रह, तेरा बदलाव जाओ तो माड़ो रे। अबे चोनी तो लेनो हो, तेरा दिन बाद में ले लिया तो आधार ली। अब भगवान गया चार गांव का निकल आ गया रे, तकड़ो दानू मर गो गांव का बोले मगड़ो दानू तो यहाँ उबगड़ी मर पड़ो हो ही को नहीं। पर भाई मरता गाड़ा थोड़ी चुपिया करे मर गो बोलो गांव का आया आर बांध लियो दाना लेर जावा लगे यार प्रेमी सजनो गुआड़ के माई एक बीच लो बसो लगे करे जटे आग ला कंजा गेला ना जार गेल का आगे गुड़ जाए भट्ठे जार दाना नीचे उतारियो जिटे माई घराली गे लो भगेड़ी घराली ठा जीव तो है और जिद्दी करो बुड़ जाए लो बागे लो आई रहे चंदा को मुंडो दिखा दियो रहे यो करियो तना गांव का बोलियो आगे प्रेम ज्यादा हो भाई दिखा दे एक बार पोचड़ी को मुंडो। अब भी चादरिया ने कहीं ओडा एडो ना ऊपर चादरियो कूटे का नहीं कर मिलबा के बने कान में कह रहा है दे दे चून क्यों बड़ा है दे दे चून की कुर्ची। वो बोलियो वो बामन गियो को नहीं मना बता बोलियो कट्टाई को नहीं गियो बाश तेली अंडी पकड़ में लिए। हाँ तो बोले तू पकड़िया ही रहा तू घर चाल बाजी रही चादरिया ने सही कर दिया। अब इन्हें लुगाया पकड़ में ली दानाली लुगाई बाबी साई यहाँ को निकलिया करे जग देख रीबू है रे आयो जगो जासी एक दिन बात दानाली मन में कर रहे कहीं सिर जासी का जीव तो है पर लिया ऐसा है करा दाना ले जा रहा मुसाणा के माए लाठा के माए दे दियो जी लाठा चिणिया। भगवान सोचो ओ जिद्दीगर हो बड़छी चना भगवान धीरे सी हूं ही कन्ने रे अरे बोलियो बड़े क्यों है मैं भगवान हूं दानू बोलियो आज कहो कहीं करूं भगवान है तो अरे बोलियो औरंगी तो भक्ति हुई राजी को नहीं हूं तेरी तो गड्ढा ही सुई राजी हूं मांगला कहीं मांगे आज बहुत राजी हूं मैं कि तू तेरी दृढ़ता पर रियो कौन देणू तो कौन ही देणू इनके दृढ़ता बहुत राजी हूं मांग कहीं मांगे। बोलियो मैंने क्यों कौन चाहिए जा तू चून मतलब और चले जाटू गाँव तो इन की गति बढ़ावे ने भी तो दुर्गति दुर्गति होनी है क्यों के तपेश्वरी सु राजेश्वरी राजेश्वरी तो भोगेश्वरी भोगेश्वरी सोई नरकेश्वरी संसार के मायने ए गत्या वे तो गति चौखी बनानी क्यों के दस धर्म जगह बताया मैंने कहा देखा बम भी ओई नाम है चौथो धर्म है आदमी को दान करनू कि शील संतोष तप दान दया धर्म समान के अस्मा अहिंसा मृदु वचन ए दस धर्म गृहस्थी के जान ए दस धर्म को पालन करे जना मिन का दे सार्थक हुए। अब आप जी धर्म का दशांगड़ो जाएगा नीर ले ले एम एल यार बड़गा एम एल यार यहाँ थोड़ी हुए